डियर स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इंटरप्शंस। ठीक है, किसी वजह से वो पिछला वीडियो मेरा बंद हो गया था। ठीक है, तो अब मैं उसको वहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट मास कस्टमाइजेशन एरा। ठीक है, तो मास कस्टमाइजेशन एरा हम देख रहे हैं कि 1995 टू 2005 तक। ठीक है, अब इसमें पहला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन में हम बात कर रहे थे रेड ओशियन स्ट्रेटजी और ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी की। ठीक है, तो आप देखिए जो पिछले एरा हैं कॉस्ट फोकस और क्वालिटी फोकस, इसमें क्या था, कॉस्ट फोकस में हाईली रेड ओशियन स्ट्रेटजी थी और क्वालिटी फोकस में भी रेड ओशियन स्ट्रेटजी थी। ठीक है, क्योंकि उस समय कंपनीज अपने आप को डेवलप कर रही थी। ठीक है, तो देखिए कंपनीज का जो पर्सपेक्टिव होता था वो पहले लोकल फोकस होता था। ठीक है, कि अपने आसपास के लोगों को सेटिस्फाई किया जाए। ठीक है, फिर इसके बाद तो आसपास के लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए वो रेड ओशियन स्ट्रेटजी, कट थ्रोट कंपटीशन वाली स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते थे। ठीक है, कि इस लोकल एरिया में ही रहना है। ठीक है, लिबरलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, 1995 के बाद जो है लिबरलाइजेशन हो गया, ग्लोबल इकोनॉमी होगी, तो लोगों को नए नए एवेन्यूज़ देखने लगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अब सिर्फ अपने एरिया में नहीं बिजनेस करना है। ठीक है, सिर्फ लोकल लेवल पर ही बिजनेस नहीं करना है, बल्कि नेशनल लेवल और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर और फिर ग्लोबल लेवल पर मुझे जो है बिजनेस करना है। ठीक है, तो दैट इज़ ब्लू ओशियन स्ट्रेटजीज की मीन्स, वो कट थ्रोट कंपटीशन के बजाय हमने अपने लिए नए नए एवेन्यूज़ क्रिएट कर लिए। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का भी कॉन्सेप्ट इसी टाइम पर आया। ठीक है, अभी इस समय आप देखिए तो सर्विस सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट जो है उनके सक्सेस रेट ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, या ऐप बेस्ड जो डिजिटल बिजनेस हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं, ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेस। ठीक है, तो वो ग्लोबलाइजेशन की ही वजह से हैं। ग्लोबलाइजेशन को इंटरनेट और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, जैसे अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसी टाइम पर इमर्ज हुआ था, क्योंकि इस समय तक मोस्टली जो कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी लिबरलाइज हो गई थी, चाइना को छोड़ करके। चाइना 2001 में शायद लिबरलाइजेशन उसने किया है इम्प्लीमेंट, लेकिन बाकी की इकोनॉमीज ओपन हो चुकी थी इस टाइम तक। तो ग्लोबलाइजेशन, लोग सोचने लगे थे कि अब मैं जो है ग्लोबली अपना बिजनेस एक्सपेंड कर पाऊंगा। ठीक है, अब आजकल देखिए तो बहुत सारी कंपनीज हैं, छोटी छोटी कंपनी जो एक छोटे छोटे स्टेट या मतलब रीजन से स्टार्ट हुई थी, अब जैसे हल्दीराम बीकानेर वाला। ठीक है, एक छोटे से रीजन से स्टार्ट हुई और उसके बाद एक्सपेंड करते करते अब वो जो है ट्रांसनेशनल कंपनीज हो गई हैं। ठीक है, धीरे धीरे ग्लोबल भी हो जाएंगी। अमूल कंपनी एक कोऑपरेटिव थी, गुजरात कोऑपरेटिव, और धीरे धीरे उसने जो है नेशनल लेवल पर अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हुए और अभी इस समय लगभग 40 के आसपास कंट्रीज़ में वो अपना बिजनेस परफॉर्म करती है। ठीक है, तो दिस इज़ ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इस टाइम पर आया था मास कस्टमाइजेशन एरा में। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट है इंटरनेट। इंटरनेट मैंने बताया था कि EDI का एडवांस वर्जन है। ठीक है, तो इंटरनेट आप देखिए तो इंटरनेट ने ही फैसिलिटेट किया है जो अब आजकल इकोनॉमी को ग्लोबलाइज बनाने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, आजकल देखिए पूरा ई कॉमर्स इसी पर बेस्ड है। ठीक है, जो अभी हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग वगैरह पढ़ते थे, अब हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने लगे हैं, है ना। एप्लीकेशन ऑफ IT इन HRM, एप्लीकेशन ऑफ IT इन फाइनेंस, एप्लीकेशन ऑफ IT इन ऑपरेशंस। ठीक है, तो अब हम ये सब मीन्स IT जो है एक फैसिलिटेटर की तरह इमर्ज हुआ है। ठीक है, जो कि अपना रोल प्ले करता है, उन कस्टमर्स को भी आइडेंटिफाई कर लेता है, कस्टमर के नीड को चैनलाइज कर देता है और वो अपने डोर स्टेप पर ही प्रोडक्ट को ले सकते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट ही ये पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, नेक्स्ट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, ERP। तो ERP जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, ये एक टर्म दिखाया था ना, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, तो ये इसका फर्स्ट स्टेज था ERP का। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था, जो आपका सप्लायर यूनिट मीन्स प्रोक्योरमेंट साइट है, उसको IT का इस्तेमाल करके इंटीग्रेट किया गया था। ठीक है, फिर आया मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, तो उसमें आप देखिए वो MRP सेकंड कहलाता है, और उसमें जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको IT का इस्तेमाल करके इंटीग्रेट किया गया। फिर आया ERP। ERP क्या होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्टेक होल्डर हैं एक्सेप्ट कंपटीटर को छोड़ करके जितने भी स्टेक होल्डर हैं सभी को IT का इस्तेमाल करके इंटीग्रेट कर लिया जाए। ठीक है, अब होता है ना कि आप MACD में आपने यहाँ पर ऑर्डर किया, दिल्ली में फॉर एग्जांपल आज जो भी ऑर्डर किया, और परसों को आप जो है फ्लाई करके और मुंबई पहुँच गए, और वहाँ पर आपने कहा कि मेरा वो ऑर्डर जो पिछला था वो रिपीट कर दीजिए, तो वो अपने ERP सिस्टम में देख करके उसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स कस्टमर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ठीक है, और मैन्युफैक्चरर, सबको इन्होंने IT का इस्तेमाल करके इंटीग्रेट कर दिया।
और अब ईआरपी का एक्सटेंडेड वर्जन क्या है, वेब इनेबल्ड या क्लाउड बेस्ड ईआरपी, ठीक है, जो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। पहले क्या होता था, जो ईआरपी मॉड्यूल हुआ करते थे इस ड्यूरेशन में, SAP कंपनी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर कंपनी हुआ करती थी, ठीक है, अभी भी है, और अभी भी बहुत सारे जो उसके वेंडर हैं जो कि ईआरपी इंट्रानेट बेस्ड ईआरपी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो सारे उसके उसी से सर्विसेज अवेल करते हैं, ठीक है। तो ईआरपी ये वो टर्म है जो कि एक तरीके से कह सकते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, कंप्यूटर को छोड़ करके बाकी बाकी सभी को आईटी का इस्तेमाल करके इंटीग्रेट करना, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन मतलब कॉन्सेप्ट है एक तरीके से इसको समझा जाए। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, नॉलेज मैनेजमेंट, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ये सब टर्म्स इस समय इमर्ज हुए। पहले एम्प्लॉयज़ को इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती थी, ठीक है, और एम्प्लॉय भी इतना फोकस नहीं करते थे, लोग ये सोचते थे ना, पहले वो गुलाम बनाने की प्रथा ज़्यादा थी कि इसको ज़्यादा पढ़ा लिखा दिया तो ये जो है हमारे सर पे आकर के बैठ जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की जाती थी, बहुत ज़्यादा स्किल प्रोवाइड करने पर फोकस नहीं करते थे, ठीक है, सोचते थे कि अगर स्किल प्रोवाइड कर देंगे तो ये छोड़ करके चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब स्किल पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आप देखिए जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, TCS है और जो कंपनी है जो IT सेक्टर में है, ठीक है, इनमें इनका वर्क कल्चर और जो लर्निंग एक्सपोजर जो ये देते हैं उसके बेसिस पर जो फ्रेशर्स हैं वो कम पैसे पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लर्निंग एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पर, ठीक है। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन अब आजकल हो गई है, नॉलेज मैनेजमेंट पर काम किया जाने लगा है, लोग स्किल प्रोवाइड करने लगे हैं, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी काम करना है, ठीक है, अदरवाइज वो कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, वो कॉन्सेप्ट ही वो पुराना वाला ख़त्म हो गया, तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होने लगी। तो अब आप देखिए आंट्रप्रेन्योरशिप और इंट्राप्रेन्योरशिप वाला भी कॉन्सेप्ट इसी टाइम पर डेवलप हुआ। आंट्रप्रेन्योरशिप क्या होता है, जो फ्री होकर के काम करता है ना, खुद बिना किसी कंपनी से एसोसिएटेड हुए कोई इनोवेटिव आइडिया पर लेकर के वो पेटेंट वगैरह कराता है, उसके बाद फिर उस पर प्रोडक्ट डेवलप करता है, उस पर सर्विसेज क्रिएट करता है, और उसके बाद उसे खुद ही सेल करता है, कॉमर्शलाइज करता है, ठीक है। कुछ अब उसके लिए भी फंडिंग वगैरह मिलने लगी, एंजल इन्वेस्टर वगैरह आ गए हैं, ठीक है, और बैंक्स वगैरह भी लोन वगैरह लोन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इंट्राप्रेन्योरशिप भी होता है। इंट्राप्रेन्योरशिप क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ही सपोर्ट करती है, कहती है बाहर जाओगे उससे अच्छा है कि हमारे लिए काम करो, ठीक है, नया प्रोडक्ट इनोवेट करो, अगर कर लिया तो उसको आप कॉमर्शलाइज हम करवाएंगे और जो भी प्रॉफिट होगा वो हम डिवाइड कर लेंगे, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन एक दूसरे से नेगोशिएट कर लेते हैं, और जिस पर दोनों एग्री कर जाते हैं वो अपना बॉन्ड पेपर पर साइन करके, और उसके बाद उनको एक अलग से स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट दे दिया जाता है, इंक्यूबेशन दे दिया जाता है। आजकल देखी तो ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्यूबेशन देने लगी है, ठीक है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आप देखिए मदर डेयरी जैसी कंपनी, ठीक है, उसने अपना मदर डेयरी अमूल जैसी कंपनी अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग इन्होंने क्रिएट कर रखा है, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, नए नए प्रोडक्ट इनोवेट करते हैं, ठीक है, और इनोवेट करते हैं और उसके बाद उसको कॉमर्शलाइज करते हैं, और अगर वो चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है विड्रॉ कर लेते हैं। जैसे अभी मदर डेयरी ने कुछ समय पहले गुड़ की आइसक्रीम लॉन्च की थी, ठीक है, तो वो जो गुड़ की आइसक्रीम थी वो बहुत ज़्यादा चली नहीं कुछ जगहों पर, तो उन्होंने अभी विड्रॉ कर लिया और कुछ समय बाद फिर से लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर वो चले उसके बाद फिर, लेकिन ये है कि वो नई नई चीज़ें इनोवेट करते रहते हैं। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में एक दो टर्म और भी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर वगैरह, ये सब लॉ के टर्म है, लेकिन बेसिकली ये क्या करते हैं, नॉलेज एसेट को प्रोटेक्ट करने के काम में आते हैं, ठीक है। पेटेंट है, कोई भी इनोवेटिव आइडिया है जिससे आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है, या प्रोसेस डेवलप कर सकते हैं, तो उसको आप पेटेंट करा लेते हैं। कॉपीराइट आपको पता ही है, लिटरेरी मटेरियल, आर्ट, म्यूजिक, है ना, एल्बम वगैरह, इन सब में जो है इस्तेमाल होता है, ठीक है, फोटोग्राफी वगैरह में भी इस्तेमाल होता है कॉपीराइट। ट्रेडमार्क आपको पता है कि आपने कोई, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट आपने बनाया है तो अपनी कंपनी के लिए आप एक ट्रेडमार्क बनाते हैं जिसको कोई और उसको रजिस्टर करा लेते हैं तो कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकता है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हल्दीराम बीकानेर वगैरह क्या है, ठीक है, इन्होंने अपना ट्रेडमार्क बना लिया, ठीक है, एक सिंबल बना लिया, और कुछ हैं आप देखिए, आप अग्रवाल स्वीट्स या ओल्ड राव ढाबा, ठीक है, पता चला उन्हीं के जैसे कई सारे लोगों ने ढाबे खोल दिए, ठीक है, क्यों, उन्होंने ट्रेडमार्क नहीं लिया था। और अब समझ में नहीं आता कस्टमर को कि कौन सा एक्चुअल है कौन सा जो है डुप्लीकेट है, ठीक है। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो आपके इंटेलेक्चुअल एसेट्स हैं उनको
सेफ करना, सेफ्टी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने मैकेनिज्म डेवलप की, ठीक है। तो ये ग्लोबल लेवल पर है, ठीक है। पहले आप अपनी कंट्री में पेटेंट कॉपीराइट वगैरह फाइल करते हैं, उसके बाद पीसीटी के लिए जाते हैं। जब आपको इंडिया से बाहर अगर कुछ बिजनेस ऑपरेट करना है तो जो पीसीटी के अंदर, पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी के अंदर जो जो कंट्री जाती हैं, उन जगहों पर भी वो पेटेंट एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। तो आप क्योंकि अब ग्लोबल इकोनॉमी में हैं, तो आप फिर उस कंटेस्ट में भी बिजनेस कर सकते हैं। जीआई भी आपको पता होगा, जीआई क्या होता है, जैसे आगरे का पेठा आपने जो है जीआई करा लिया, तो आगरा का कोई भी बंदा होगा तो वो पेठा कहीं भी सेल कर सकता है, लेकिन आगरा से बाहर आप बिलोंग करते हैं तो आप आगरे के पेठा को नहीं सेल कर सकते हैं, ठीक है। ढाका का मलमल है ना, तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफी को बिलोंग करती हैं, ठीक है। उस पर किसी एक पर्सन का राइट नहीं है, लेकिन हाँ उस एरिया के लोगों का राइट है कि वो लोग उसको उस नाम से सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, इंटेलेक्चुअल एसेट को प्रोटेक्ट करना। तो अब इस पर काम करने लगे हैं लोग, ठीक है, स्किल्ड होने लगे, एम्पावर करने लगे हैं आपको, अपने आप को, ठीक है। नए नए प्रोजेक्ट्स में अपने आप को खुद ही कहते हैं कि मुझे इस प्रोजेक्ट में आप जो है रख लीजिए, जिससे मुझे कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो इसलिए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, नॉलेज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब देखिए क्वालिटी क्या होती है, कंज्यूमर्स परसेप्शन अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, मैं अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स खुद बनाऊंगा, ठीक है, मुझे किसी और के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा एक हमारे पास ISO भी होता है, इंटरनेशनल है ना क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है ISO, जिसको मतलब लगभग 175 प्लस कंट्रीज़ ने मान्यता दे रखी है, ठीक है। और ये जनरली प्रोसेस पर फोकस करते हैं कि ठीक है इनपुट फिर भी थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो चलेगा, इनपुट लेने मतलब यही ना कि हर किसी को बेहतर इनपुट तो नहीं मिल सकता ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब हम उसे लार्ज स्केल में करने लगे, ठीक है। तो लेकिन अगर प्रोसेस को फिर भी हम थोड़ा सा रिगरस करें और थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेड रखें तो हम क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स होती हैं। क्वालिटी के भी चार डायमेंशन होते हैं, आपको पता होगा, इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसकी डोमेन से बाहर है, इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, क्योंकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक फिलॉसफी है जो टोटैलिटी के बिना इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। जब तक हर कोई ये नहीं सोचेगा कि क्वालिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब तक वो फिलॉसफी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। और इसके अलावा जो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस की टेक्निक्स हैं, वो इसमें इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर अप्लाई होती हैं। सेफ्टी स्टैंडर्ड भी तो होते हैं ना, कि कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने में कितना सेफ़ है, तो सबसे पहले हम वो देखते हैं कि हाँ ये सेफ़ है, अच्छा ठीक है, तो फिर हम वो मार्का देख करके हम उस प्रोडक्ट को ले लेते हैं, ठीक है। प्योरिटी के लिए भी इसी तरह से मार्का होते हैं, है ना, तो वो हम चेक करते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये सब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इस टाइम पर डेवलप होने लगे, क्यों, क्योंकि कस्टमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनाइट शेड्यूलिंग, ठीक है। फाइनाइट शेड्यूलिंग क्या होती है, पहले जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम थे वो बहुत लेंदी हुआ करते थे, ठीक है। मीन्स प्रोडक्ट बन रहा है तो बनता ही है, बन ही रहा है, जब तक हमारा मन करेगा आराम आराम से सप्लाई चेन चल रही है, ठीक है, बन रहा है, ठीक है। सप्लायर से मटेरियल लिया, बल्क में ले लिया, उसके बाद प्रोसेस किया, बनाया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर पकड़े, उनको जो दे दिया प्रोडक्ट, ठीक है। आप देखिए ना, पहले बॉलीवुड में जो साल भर में मूवीज आया करती थी वो गिनती की मूवीज आती थी, ठीक है। आप देखिए आप, ठीक है, बॉलीवुड की मूवी अलग आती हैं, नेटफ्लिक्स है और बाकी सारे जो सीरीज़ हैं और जो मतलब एक तरीके से कहते हैं एपिसोड हैं, ठीक है, वो सब अब बहुत ही फ्रीक्वेंटली आने लगे हैं। मीन्स कस्टमर को काफ़ी कुछ मटेरियल मिलने लगा है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ फाइनाइट शेड्यूलिंग, ठीक है। मीन्स हर एक चीज़ की एक डेडलाइन है, अगर इस टाइम तक प्रोडक्ट आ गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर अब किसी का वेट नहीं करता, ठीक है। क्यों, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन अवेलेबल है, ठीक है। आप प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कराओगे, एक्स नहीं प्रोवाइड कराएगा, वाई कराएगा, वाई नहीं कराएगा, जेड कराएगा, जो भी इस कंपटीशन में आगे निकल जाएगा वो उससे वो कस्टमर प्रोडक्ट ले लेगा, ठीक है। तो इसलिए कंपनीज फाइनाइट शेड्यूलिंग पर काम करती हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी जो भी कॉन्सेप्ट है उसको लिया, उसको डेवलप किया, फटाफट से प्रोडक्ट बनाया और उसके बाद उसको, ठीक है, सेल किया, ठीक है, इतना वेट नहीं करना है, ठीक है। तो फाइनाइट शेड्यूलिंग, फिक्स शेड्यूलिंग एक तरीके से है कि टाइम बाउंड वर्क करना है। प्रोजेक्ट का भी टाइम होता है ना, कि स्टार्ट टाइम ये होगा, एंड टाइम ये होगा, अगर इससे ज़्यादा आपने एक्सीड किया तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, अदरवाइज विद इन द टाइम लिमिट आप काम करिए, ठीक है। नेक्स्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को पहले हम लोग ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते थे, अब हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी डोमेन है, ठीक है, जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर कवर नहीं होती है, ठीक है। इसमें सारे डायमेंशंस आ जाते हैं,
ठीक है। तो आप देखिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, एक चेन जो कि सप्लाई को मैनेज करती है, ठीक है। अब ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई। इसमें इस चेन में कौन कौन आते हैं, सप्लायर आते हैं, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कस्टमर, ठीक है। सप्लाई चेन जितनी ज़्यादा ऑप्टिमम होगी उतना आप एक्सेलेंस को अटेन करेंगे। वॉलमार्ट वर्ल्ड की सबसे छोटी सप्लाई चेन और एक्सेलेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। वॉलमार्ट सप्लाई चेन एक्सेलेंस का बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। FMCG कंपनी होने के बावजूद वो अपने जहाँ पर भी वॉलमार्ट है वो अपने सारे ऑर्डर प्रॉक्टर एंड गैम्बल के थ्रू मेंटेन करता है। तो सिर्फ सप्लायर और रिटेलर की सप्लाई चेन है, बाकी के सारे मिडिलमैन उन्होंने हटा दिए। इसकी वजह पर वो क्या कर पाते हैं, एवरी डे लो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। तो अब उससे क्या है, कंपटीटर के प्रोडक्ट देख लिए कि हाँ कंपटीटर का जो है प्राइस आज का इतना है, उससे अपने प्राइस कम कर दिए, तो कंज्यूमर किसकी तरफ जाएगा, क्वालिटी वही है, ठीक है, और उसमें पैसे कम लग रहे हैं, तो कस्टमर किसको प्रेफर करेगा, ठीक है। तो उससे उनका मार्केट शेयर बढ़ जाता है, इसलिए वो वर्ल्ड वर्ल्ड का नंबर वन रिटेलर है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजिंग दियर सप्लाई चेन। अब आप देखिए, बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि अपना प्रोडक्शन अलग अलग जगहों पर कराती हैं ना, जहाँ पर लेबर इंटेंसिव काम है वो लेबर इंटेंसिव कंट्री में करा लिया, जहाँ कैपिटल इंटेंसिव काम है वहाँ कैपिटल इंटेंसिव कंट्री में करा लिया, दोनों को ला करके असेंबल किया और सेल कर दिया। बोइंग जैसी कंपनी है ना, बोइंग क्या करती है, फाइटर प्लेन बेचती है, लेकिन फाइटर प्लेन असेंबल मल्टीपल जगहों से लेकर के वो प्रोडक्ट और उसको लेकर के असेंबल करती है, और उसके बाद XYZ कोई भी कंट्री को वो सेल करती है, ठीक है। तो वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं अब आजकल, ठीक है। तो उसमें सप्लाई चेन का बहुत बड़ा रोल है और लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए, पहले क्या होता था, पहले सारी चीज़ें फ्लीट फ्लीट है ना, बेसिक रॉ मटेरियल और बाकी सारी चीज़ें हम खुद ही मैनेज करने की कोशिश करते थे और हम अपनी कोर कंपिटेंसी से हट जाते थे। अब क्या है, हमें अपनी कोर कंपिटेंसी पर ही काम करना है, इसके अलावा हमें और किसी पर ध्यान देना ही नहीं है। लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन सिंपली क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट को एक एक्स प्लेस से बाई प्लेस पर ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है, उसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, है ना। पहले जब ये आपके मूवर्स एंड पैकर्स नहीं हुआ करते थे, तब क्या होता था, जब लोगों के ट्रांसफ़र होते थे तो ट्रक में भरा सामान और चल दिए, ठीक है, बीच में ट्रक हिला कहीं पर और कुछ भी गड्ढा वड्ढा आ गया और सारा सामान मिल करके एक दूसरे में आधा टूटा आधा बचा लेकर के, और फिर इसके बाद जा कर के जोड़ ओड़ के रख रहे हैं उसको, ठीक है। ना प्रॉपर पैकेजिंग होती थी, ना प्रॉपर हैंडलिंग होती थी, मटेरियल हैंडलिंग होती थी, और ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, ठीक है। तो उससे क्या होता था, कस्टमर को प्रॉब्लम होती थी, या जो भी है जिस जिस पार्टी के खाते में लॉस जाएगा उसको जो है नुकसान होगा। तो लॉजिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट बनाया गया, ठीक है, कि मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, जो भी मटेरियल जिस भी फॉर्म में एक प्लेस एक्स प्लेस से मिला है उसको वाई प्लेस पर उसी फॉर्म में मैं मटेरियल को पहुँचाऊँगा। अब आप देखिए, मिल्क है ना, तो मिल्क जैसे ही लिया, क्या कहते हैं, किसानों से है ना, जो दूधियों से मिल्क लिया, उसको एक जगह पर लेकर के सबसे पहले चिलर में डालते हैं, और चिलर में डाल करके, बल्क मिल्क चिलर होते हैं उसमें डालते हैं, उसके बाद उसको 4 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करते हैं, और मेंटेन करने के बाद एक गाड़ी आती है जो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही उसको प्रोसेसिंग प्लांट तक ले जाएगी, ठीक है। तो वो क्या है, लॉजिस्टिक्स कंपनीज डेवलप हो गई, ठीक है। वो क्या करती हैं, मटेरियल जिस फॉर्म में मिला है उसी फॉर्म में ही मैं उसको कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। इसमें भी लॉजिस्टिक्स में भी दो पार्ट होते हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स आपको पता होगा, सप्लायर टू मैन्युफैक्चरर, और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कहाँ से होता है, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर हो सकता है, रिटेलर से कस्टमर हो सकता है, या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कस्टमर हो सकता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक की चेन मैनेज करना, दैट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मैनेज करना, और इनबाउंड क्या होता है, सप्लायर से मैन्युफैक्चरर तक की जो लॉजिस्टिक्स का काम देखना, दैट इज नोन एज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स आपको क्लियर हो गया, लॉजिस्टिक्स बेसिकली होता क्या है, जिस फॉर्म में मटेरियल को लिया है एक्स प्लेस पर उसी फॉर्म में वाई प्लेस तक पहुंचाना, ठीक है, बिना उसकी करेक्टरिस्टिक्स लूज किए हुए, बिना उसमें जो भी पिलफरेज, डैमेज, लॉस वगैरह होगा, थेफ्ट वगैरह होगा, वो सब कवर्ड होगा, इंश्योर्ड रहेगा। तो उससे क्या होता है, अब कंपनी को पेन लेने की जरूरत नहीं है, फ्लीट भी तुम्हारी है, मैनेज भी तुम्हें करना है, ठीक है। बस ये है कि अब वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स और फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स के भी कॉन्सेप्ट शुरू हो गए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों ने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया है, ठीक है, इंटरनेट ने, लॉजिस्टिक्स ने। ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स इंटरनेट और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क नहीं होता तो ई कॉमर्स कभी भी रन नहीं कर पाता, ठीक है। लॉजिस्टिक्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, कस्टमर को उसके डोर स्टेप पर प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना, और इंटरनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कस्टमर के ऑर्डर को ट्रैक करना,
जब कस्टमर की मर्जी करेगा वो तब ऑर्डर करके सो जाएगा, उसके बाद वो वेट करेगा, जितना वेटिंग टाइम होगा उतने टाइम बाद उसे प्रोडक्ट चाहिए, नहीं मिला तो वो दूसरी ई कॉमर्स कंपनी पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इंटरनेट और लॉजिस्टिक्स बैकबोन है ई कॉमर्स की। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज एजाइल मैनुफैक्चरिंग। एजिलिटी को समझते हैं। एजिलिटी मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, इस लेवल तक फ्लेक्सिबिलिटी जो आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, आज आपके पास कार नहीं है, ठीक है, फोन है, लेकिन ठीक है, आपका आज मन कर रहा है कि आप बाइक से जाना चाहते हैं। अब आपके पास बाइक भी नहीं है, ना आपको चलाना आता है, ठीक है, आप गए तुरंत बाइक बुक कर ली, ठीक है, फ़ोन का इस्तेमाल करके, ठीक है, या ओला में गए, आपने टैक्सी बुक कर ली, ऑटो बुक कर लिया, ठीक है, प्राइम का मन है प्राइम ले लिया, सिडॉन का मन है सिडॉन ले लिया, हैचबैक का मन है हैचबैक ले लिया, ओला ऑटो का मन है ओला ऑटो ले लिया, उबेर ऑटो ले लिया, ठीक है। तो दैट इज एजिलिटी, कि बिना रिसोर्स रखे हुए, ठीक है, आप बस उसके लिए पे कर रहे हैं और कोई भी चीज़ आप कहीं पर भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, पैसे नहीं है लेकिन वॉलेट नहीं लिए हुए हैं लेकिन फ़ोन लिए हुए हैं तो आप कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं। दैट इज एजिलिटी, इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। तो एजाइल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, अब इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का। अब देखिए, पहले जो प्रोसेस हुआ करती थी एशियन पेंट और जो पेंट कंपनीज हैं, वो क्या करते थे, पहले शेड देते थे कस्टमर को, ठीक है। अब कस्टमर का पेंट कराने का मन है, पहले गया वहाँ पर, शेड कार्ड दिया उसे, शेड कार्ड में वो घर ले आया, या वहीं पर सभी लोगों को ले गया, वहाँ पर उन्होंने फाइनल किया कि हाँ इस रूम में ये वाला होना चाहिए, इस रूम में ये वाला होना चाहिए, ठीक है, कलर अपना फाइनल किए, उसके बाद ऑर्डर दे दिया। उसके बाद उसने कहा कि सर हफ्ते भर या 4 दिन में मैं आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अब कस्टमर का मन है कि मैं आज पेंट करूं, और तो उसको बहुत लंबा टाइम लगता था इस समय, ठीक है। अब उससे क्या हुआ कि बीच में कस्टमर को किसी और दुकान में मिल गया, तो उसे और फ्रस्ट्रेशन होती थी, यार उस दुकान में है लेकिन मैंने ज़बरदस्ती वहाँ पर ऑर्डर दे दिया और मैं फंसा हुआ हूँ, ठीक है। तो कंपनीज ने क्या किया कि इस प्रोसेस को ही चेंज कर देते हैं, और उससे क्या होता था कि एक स्पेसिफिक कलर का पेंट जो है ज़्यादा बिकता था, कुछ का कम बिकता था, कुछ का नहीं बिकता था, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया कि हम जो है रॉ पेंट देते हैं और उसमें जो है कलर मिक्सिंग मशीन हम वहीं पर लगा देंगे, ठीक है। तो हर एक छोटी छोटी शॉप में भी मिक्सिंग मशीन लगी हुई है, और वहाँ मतलब एक तरीके से कह सकते हैं 5-10 मिनट के अंदर ही कलर मिक्स करके दे देते हैं, जिस कलर का चाहिए आप शेड पिक कर लीजिए और अपना कलर ले लीजिए। अरे इवन अब तो ये भी कस्टमाइजेशन है कि हम तो पेंट भी आकर के कर देंगे, ठीक है, 1 डे 2 डे के अंदर आपका पूरा घर पेंट कर देंगे, बिल्कुल डेडिकेटेड वे में काम करेंगे, ठीक है। जैसे बर्जर पेंट का कॉन्सेप्ट है ना, बर्जर पेंट क्या करता है, पहले आएगा घर पे आपके और वहाँ पर जो है आपका सारा घर वह देखेगा, उसके बाद एस्टिमेट दे देगा, ठीक है, कि ये इसमें ये वाला पेंट लगाएंगे तो हम इतना एस्टिमेट देंगे, ये वाला पेंट लगाएंगे तो इतना एस्टिमेशन अपना दिया, और उसके बाद आपसे कहा कि बस मुझे 1 दिन या 2 दिन का टाइम दीजिए और 1-2 दिन में ही आपका जो है पूरा घर पेंट होकर के आपको मिल जाएगा। तो दैट इज एजिलिटी, है ना, मीन्स कस्टमर को इतना ज़्यादा फैसिलिटेट कर दिया। अब फ़ोन है, मैंने ये सारे एग्जाम्पल दिए हैं, तो ये सब एजाइल मैन्युफैक्चरिंग के एग्जाम्पल हैं। इज इट क्लियर? तो दिस इज़ ऑल अबाउट कस्टमाइजेशन फोकस, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये स्लाइड समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, कि इसमें आप देखिए तो पूरी डिटेलिंग दी गई है ऑपरेशंस मैनेजमेंट की, ठीक है, कि पहले किस तरीके से लोग कॉस्ट पर फोकस करते थे, फिर क्वालिटी पर शिफ्ट हुआ उनका परसेप्शन, है ना, क्वालिटी मीन्स कंज्यूमर परसेप्शन अबाउट द प्रोडक्ट, फिर कस्टमाइजेशन पर फोकस हुआ क्वालिटी का एक्सट्रीम, और अब आप देखिए तो ग्लोबलाइजेशन फोकस 2005 to 2020। तो आप देखिए इसमें ग्लोबल सप्लाई चेन एग्जिस्ट करती है, ठीक है, मैंने आपको पिछले स्लाइड में एग्जाम्पल बताया था ना बोइंग का, ठीक है, कि अलग अलग कंट्रीज से मटेरियल को लिया और उसको असेंबल किया और उसके बाद सेल कर दिया, ठीक है। ग्रोथ ऑफ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अपनी कंट्री की बाउंड्री के बियॉन्ड, पहले लोग लोकल के बियॉन्ड तो सोचते ही नहीं थे, ठीक है, यही सोचते थे कि मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ, यहीं पर बिजनेस करूँगा और यहाँ पर मैं और किसी को करने नहीं दूंगा। देखा है ना आप लोगों ने, पॉलिटिक्स भी एक तरीके का बिजनेस है ना, प्रधानी के चुनाव में ही लोग एक दूसरे को गोली मार देते थे, ठीक है, अब नहीं मारते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट रेड ओशियन स्ट्रेटजी, अब क्या है ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी, सिर्फ प्रधानी का चुनाव ही थोड़े ना लड़ना है, और भी बहुत सारा स्कोप है ना, कैबिनेट मंत्री बनूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा, प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अब क्या है, ग्रोथ ऑफ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लोकल लेवल पर ही बिजनेस नहीं करना है, बल्कि मुझे नेशनल लेवल पर करना है और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर करना है और ग्लोबल लेवल पर करना है, ठीक है। तो ट्रांसनेशनल मीन्स अपनी कंट्री के बॉर्डर के बाहर, ठीक है, हल्दीराम बीकानेर, SBI, बैंक्स वगैरह भी अब क्या हो गए, ट्रांसनेशनल हो गए,
ठीक है, कंट्री की टेरिटरी से बाहर भी ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इंस्टेंट कम्युनिकेशन, मैंने कहा था इंटरनेट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, ठीक है, तो इंस्टेंट कम्युनिकेशन इंटरनेट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया, ठीक है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। अब आप देखिए एग्जांपल, इसमें मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा सस्टेनेबिलिटी का, कोलगेट कंपनी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। आज से 25-30 साल पहले, 20 साल पहले, ठीक है, ये प्रमोट करता था कि नमक, नीम, कोयला मत इस्तेमाल करें, ठीक है, क्या इस्तेमाल करें, कोलगेट पाउडर इस्तेमाल करें, ठीक है। अब आप देखिए कोलगेट के पेस्ट में नमक का अलग से पेस्ट आता है, नीम का अलग से आता है, कोयले का अलग से आता है ना, चारकोल बोलते हैं ना इसको, ठीक है, हर्बल भी आता है, हर तरीके का जेल भी आता है, और बहुत तरीके के, मतलब उसने अपना पूरा शॉपिंग मॉल बना लिया, इतना वेरिएशन कर दिया, ठीक है। तो दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। एक ही प्रोडक्ट रखेंगे तो एक टाइम बाद वही आपकी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो क्या होगी, सेचुरेट होने के बाद और सीधा डिक्लाइन में चली जाएगी। लेकिन अभी वहीं पर अगर आप सस्टेनेबिलिटी के लिए, सर्वाइव करने के लिए आप उसमें चेंजेस करते रहते हैं, तो वही सप्लाई चेन आपकी, ठीक है, वही सॉरी वही प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो लाइफ साइकिल है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वो क्या होगी, हर बार नई हो जाएगी, ठीक है। कस्टमर को चेंज चाहिए अपने हिसाब से। आप देखिए रूह अफ़ज़ा जैसी कंपनी जिसने 70-80 साल एक ही टेस्ट लोगों को पिलाया, ठीक है, और उसके बाद उसे भी मजबूर होना पड़ा, उसने भी अपने 2-3 फ्लेवर अभी पिछले कुछ सालों में लॉन्च किए, ठीक है। तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सस्टेनेबिलिटी, कि सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है मार्केट में। अदरवाइज बहुत सारी कंपनी है, कोडक जैसी कंपनी जो सोचते थे कि हाँ बहुत बढ़िया कंपनी है जो कभी ऑब्सोलीट आउटडेटेड नहीं होगी, मोटोरोला जैसी कंपनी जिसने सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट दिया और उसके बाद भी वो सर्वाइव नहीं कर पाया, नंबर वन पोजीशन अपनी मेंटेन नहीं कर पाया, बल्कि अब सर्वाइव करने के लिए मतलब कंपटीशन में भाग ही रहा है, ठीक है, लेकिन वो बाकी की कंपनियों से मौका नहीं दे रही हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, कि मार्केट में सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है, तो उसके लिए मुझे हर तरीके की स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले तो होता था ना कि वो पॉटर की जो 3 स्ट्रैटेजी हैं, डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप, क्विक रिस्पॉन्स, इनमें से कोई एक अडॉप्ट कर लीजिए तो आप जो है मार्केट में लीडर हो जाएंगे। लेकिन अब ज़माना वो नहीं है कि सिर्फ उन्हीं 3 स्ट्रैटेजी से ही, उनमें से 3 में से कोई एक ही अप्लाई कर लें तो आप लीडर हो गए, ठीक है। उनमें भी कॉम्बिनेशन और उसमें भी फंक्शनल स्ट्रैटेजी भी आपके सपोर्ट में होनी चाहिए, और उसमें भी मार्केट टू मार्केट आपको जो है अलग अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तब जा कर के आप सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो दैट इज़ सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट इज़ एथिक्स इन ग्लोबल वर्क प्लेस, ठीक है। आप लोगों ने एक सब्जेक्ट का नाम सुना होगा, क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, इसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो एथिक्स क्या होता है, देखिए हर एक कंट्री का जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, वो अलग अलग है ना, रिलीजन और जो एक तरीके से कह सकते हैं अलग अलग संप्रदाय के लोग होते हैं, अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग होते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन को मानने वाले लोग होते हैं, है ना, उनके अपने एथिक्स वैल्यूज़ वगैरह होती हैं, तो उन सबको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एथिक्स इन ग्लोबल वर्क प्लेस। तो आप देखिए जब भी कोई कंपनी अपने किसी भी एम्प्लॉई को कहीं पर डिप्यूट करती है किसी दूसरी कंट्री में, तो वो उसको क्या करती है, सबसे पहले क्रॉस कल्चर की ट्रेनिंग देती है, ठीक है। अब क्रॉस कल्चर में किसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, लैंग्वेज की, वहाँ के रहन सहन की, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर वो बात करते हैं, किस तरीके से ग्रीट करते हैं, क्या क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, क्या उनके कस्टम्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है, क्या एथिक्स हैं, तो ये सारी चीज़ें वो ट्रेन करते हैं और उसके बाद ही उनको वहाँ पर भेजते हैं। तो एथिक्स इन ग्लोबल वर्क प्लेस, तो क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। दुबई जैसी कंट्री में आप जाते हैं ना, मान लीजिए घूमने के लिए भी जाते हैं, तो वो जो ट्रैवल एजेंट है वो ही आपको जो है पहले 1 घंटे की काउंसलिंग करेगा कि भाई वहाँ पर जा कर के किसी को घूरना नहीं है, है ना, किसी की प्रॉपर्टी के आप ऐसे फ़ोटो नहीं ले सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही कायदे से आपको रहना है, थेफ्ट वगैरह और बाकी सारी चीज़ें इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी के साथ ओपन नहीं होना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एथिक्स इन ग्लोबल वर्क प्लेस। तो इसी तरह से कंपनी भी क्या करती है, लोगों को ट्रेन करके भेजती है, ठीक है, कि आप जो ग्लोबल वर्क, क्योंकि आप वहाँ पर कंपनी के रेपुटेशन को कैरी कर रहे हो, ठीक है, आपने अगर कुछ भी वहाँ पर गड़बड़ किया तो वो उससे क्या होगा, कंपनी के रेपुटेशन में आएगा और हो सकता है कि कंपनी के वहाँ पर एवेन्यूज ही बंद हो जाए, ठीक है। तो एथिक्स इन ग्लोबल वर्क प्लेस, तो इस पर कंपनीज बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं इस राह में, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक्स, जैसा मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था लॉजिस्टिक्स क्या होता है, लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन से बिल्कुल अलग है, ट्रांसपोर्टेशन में लाइबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, एक्स प्लेस से वाई प्लेस तक ले जाना है, मैं ट्रक लाऊंगा आप भरो या मैं भरवा लूँगा, चलो ठीक है,
लेकिन ये है कि उसके बाद रास्ते में इन ट्रांजिट कुछ भी लॉस, थेफ्ट, पिल्फरेज, डैमेज कुछ भी होता है तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वो सारा लॉस कस्टमर या जो भी पार्टी भेज रही है या जो भी जिसके यहाँ रिसीव हो रहा है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी नहीं होगी। लेकिन लॉजिस्टिक्स में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। जिस भी फॉर्म में मटेरियल मैं दे रहा हूँ उसी फॉर्म में दूसरी पार्टी तक पहुँचना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज क्रॉस कल्चर। तो क्रॉस कल्चर अभी मैंने बताया कि एथिक्स और क्रॉस कल्चर की जो पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। एथिक्स में आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, वो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा ना, IQ, EQ और एंड SQ, ठीक है। IQ क्या होता है? इंटेलिजेंट कोशेंट। EQ क्या होता है? इमोशनल कोशेंट। और SQ क्या होता है? स्पिरिचुअल कोशेंट। तो आजकल कंपनीज एथिक्स पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। एथिकल बंदा होगा, ऑनेस्ट होगा तो बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो कंपनीज क्या देखती हैं, सिर्फ IQ पर ही फोकस नहीं करती हैं। दिमाग वाला होगा वो तो चाहिए ही चाहिए, इमोशनल भी होना चाहिए। ये नहीं कि आज मैंने बैग कहीं रखा, कल मैं दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो गया, परसों तीसरी, जो मुझे ज़्यादा पैसे दे देगा मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, ठीक है। तो सिर्फ ब्रेन ही नहीं ज़रूरी है बल्कि इमोशंस भी ज़रूरी हैं। आप अपनी जो जॉब है उससे प्यार करते हो, ठीक है। और स्पिरिचुअल कोशेंट क्या होता है? बिल्कुल आध्यात्म की तरफ चले गए, ठीक है। तो आध्यात्म की तरफ चले गए हैं तो मतलब आप जो है वो सब नहीं करेंगे, चोरी चकारी या कुछ भी लीगल प्रैक्टिसेस वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप में आध्यात्म का कंटेंट ज़्यादा है। तो इस सब के लिए वो साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह परफॉर्म करती हैं और उसके बेसिस पर आपकी पर्सनालिटी का पूरा स्कोर कार्ड प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद उसके बेस वो भी एक क्राइटेरिया होता है सेलेक्ट करने का, ठीक है। तो एथिक्स इन ग्लोबल वर्क प्लेस, क्रॉस कल्चर, ये सारे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि आज के टाइम में कंसिडर किए जाते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में अभी यहीं तक कवर करूंगा। थैंक यू।